सब्सक्राइब कीजिए लाइफस्टाइल इन्फो ट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बारिश का मौसम आते ही सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि बारिश हम सभी को चुभती जलती गर्मी से राहत दिलाता है। बारिश के मौसम में प्रकृति का दृश्य किसको नहीं रोमांचित करता, और बारिश में नहाना तो सभी को पसंद ही है। कुल मिला के देखा जाए तो बारिश का मौसम सबसे खूबसूरत, रोमांचक और बहुत जरूरी मौसम है, क्योंकि बारिश से ही नदियों को पानी मिलता है जिसे हम पीने या नहाने धोने के लिए उपयोग करते हैं। पर बारिश का मौसम जितना अच्छा है उतना ही खराब भी है, क्योंकि मॉनसून पानी के साथ साथ कई तरह की बीमारियां और परेशानियां भी लेकर आता है। बारिश के मौसम में हर जगह नमी बनी रहती है, जिससे हर जगह बैक्टीरिया पनपने लगते हैं जो बीमारी पैदा करते हैं। इससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि खुजली, रैशेस, सर्दी जुकाम, बुखार, त्वचा की बीमारी, एलर्जी आदि, और कई बड़ी बीमारियां भी होती हैं। इसलिए हमें मॉनसून में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और खुद पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसलिए आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स देखेंगे जिसके मदद से आप इन बैक्टीरिया और बीमारियों से दूर रह सकें। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसी हेल्थ से रिलेटेड छोटे मोटे टिप्स पाने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आपको बारिश के मौसम में बैक्टीरिया और बीमारियों से बचने के सारे टिप्स एक एक करके बताता हूँ। नंबर वन, पानी। बारिश के मौसम में पानी हमेशा उबाल कर ही पिएं। इससे सारे खतरनाक बैक्टीरिया मर जाएंगे और पानी साफ हो जाएगा, जिसे पीने से आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। और दिन भर ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, जिससे आपको जल्दी कोई बीमारी नहीं होगी। इसके अलावा जर्म से बचने और शरीर में गर्मी लाने के लिए हर्बल चाय, अदरक वाली चाय, नींबू वाली चाय या सूप पिएं। नंबर टू, खाना। फल और सब्जियों को अच्छे से धोकर और खाने को अच्छे से पकाकर ही खाएं, ताकि उनमें से सारे खतरनाक बैक्टीरियाज खत्म हो जाए और आपको कोई नुकसान न हो। और बासी खाना तो बिल्कुल भी न खाएं, क्योंकि बारिश की वजह से उनपे भी जर्म्स पैदा होने लगते हैं। नंबर थ्री, रोग प्रतिरोधक शक्ति। बारिश के मौसम में हमारे आसपास मौजूद खराब बैक्टीरियाज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे लड़ने के लिए हमें हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए आप अदरक, लहसुन, काली मिर्च, हल्दी और धनिया जैसे पदार्थों का सेवन करें। इससे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगा और आपका पाचन तंत्र भी अच्छा होगा, जिससे खाना जल्दी पचेगा। नंबर फोर, हाथ धोना। बारिश के मौसम में हर जगह बैक्टीरियाज फैले होते हैं, जिसे हम कई बार छूते हैं। इससे हमारे हाथ में कई तरह के खतरनाक बैक्टीरिया चिपक जाते हैं। इसलिए कुछ भी खाने पीने या कोई भी काम करने से पहले अपने हाथ साबुन से जरूर धोएं। नंबर फाइव, स्ट्रीट फूड। रास्तों पर बिक रहे खानों से दूर रहें, क्योंकि उनके दुकान और खाने के पदार्थ खुले में होते हैं, जिस पर जर्म्स और बैक्टीरियाज आसानी से जमा हो जाती हैं। और बारिश की वजह से तो कुछ ज्यादा ही जर्म्स जमा होने लगते हैं, इसे खाने से आप बीमार हो सकते हैं। नंबर सिक्स, कीटाणुनाशक। बारिश के मौसम में बैक्टीरियाज और जर्म्स के साथ साथ हमारे घरों में बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी पैदा हो जाते हैं, जैसे कि मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, दीमक आदि। इनसे बचने के लिए मार्केट में कई तरह के कीटाणुनाशक मशीन और दवाइयां भी मिलती है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और हो सके तो आप नहाने के पानी में भी डेटॉल डालकर ही नहाएं। नंबर सेवन, मच्छर। अपने घर में या घर के बाहर कहीं भी पानी जमा न होने दें और खुला न रखें, क्योंकि जमा पानी में ही मच्छर पनपते हैं। इससे डेंगू या मलेरिया का खतरा बढ़ जाता है, और ये समस्या बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि बारिश की वजह से हर जगह पानी जमा होने लगता है। तो इसके बारे में आप खास करके ध्यान दीजिएगा। नंबर एट, कपड़े। ये समस्या काफी लोगों को होती है कि बारिश के मौसम में कपड़े जल्दी नहीं सूखते, और नमी के कारण कपड़ों पर जर्म्स भी जमा हो जाते हैं। तो इसके लिए आप कपड़े को प्रेस करके ही पहने, इससे कपड़े पूरी तरह से सूख जाएंगे, सारी नमी खत्म हो जाएगी और सारे बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएंगे, जिससे आपको कपड़े से कोई भी समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स हैं जिसे फॉलो करने से आप बारिश की वजह से होने वाली बीमारियों से बच सकेंगे। इसके अलावा कई छोटे मोटे टिप्स और है, जैसे कि बारिश में ज्यादा न भीगें, भीगे हुए कपड़े, बैग, मोजे, जूते या रुमाल का उपयोग न करें, स्वच्छता बनाए रखें आदि। तो ये कुछ टिप्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप बारिश का मजा लीजिए, पर सावधानी से। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिले और सभी स्वस्थ रहें।
उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।